दोस्तों डंकी के बाद शाहरुख को बड़ी फिल्म हाथ लगी है। इस फिल्म को बहुत बड़े बजट में बनाया जाएगा और फिल्म की कहानी एक महान तलवारबाज पर आधारित होगी। शाहरुख खान का किरदार इसमें बहुत जबरदस्त होने वाला है। फिल्म की स्टोरी पर काम चालू कर दिया है। अगर ये फिल्म बन जाती है तो इंडिया ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक इसका डंका बजेगा। इसके अलावा शाहरुख खान की 3 बड़ी फिल्म और आने वाली हैं और दुनिया भर से डंकी 400 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है। पहली ड्रामा फिल्म बन गई है जिसने इतना ज्यादा कलेक्शन किया है। शाहरुख खान ने फिर से साबित कर दिया है कि वो लास्ट सुपरस्टार थे और रहेंगे। वही डंकी अभी रुकी नहीं है, इसका डंका तो बजना शुरू हुआ है। वही डंकी देश भर में धूम मचा रही है, लोगों में फिल्म का अलग ही क्रेज है। डंकी हार्डी और उसके 4 दोस्तों की कहानी है जो लंदन जाना चाहते हैं ताकि अपना करियर बना सके, लेकिन लंदन जाते जाते ही उनके हालात खराब हो जाते हैं। वहां जाकर उनको पता चलता है कि अपना देश ही सबसे अच्छा है, लेकिन अब वापस आने के लिए उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डंकी में शाहरुख के अलावा विक्की कौशल, तापसी पन्नू, बोमान ईरानी और विक्रम जैसे बेहतरीन एक्टर हैं। वही दोस्तों डंकी हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नजर आ रही है। दोस्तों फिल्म की पहले झलक ने ही दिखा दिया है कि शाहरुख खान एक्टिंग के बादशाह है और वो किसी भी तरह फिल्म में किरदार को पकड़ कर रखते हैं। बाकी डंकी की कहानी ही इसकी ताकत है और फिल्म भी काफी मस्ती वाली नजर आ रही है। अब सालार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। सालार और डंकी की जबरदस्त टक्कर के बीच पूरा सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है जैसे पीके और 3 इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी, तो जाहिर की बात है डंकी भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। हालांकि सलार शुरुआत में अच्छी कलेक्शन करेगी क्योंकि एक्शन फिल्म है, उसको प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है, लेकिन डंकी एक लंबी रेस का घोड़ा नजर आ रही है।